बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए उत्तराखंड भी बहुत अहम है। पिछली बार सभी 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और इस बार सबकी नजर गढ़वाल सीट पर है, जहां बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी मैदान में हैं और उन्होंने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। संवाददाता दीपा बाफिला ने अनिल बलूनी से प्रचार के बीच बातचीत की है और जाना है कि प्रचार के मैदान में बलूनी का दावा कितना दमदार है। हम इस वक्त उत्तराखंड में चुनाव को कवर कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर, गढ़वाल। आप सही समझ रहे हैं, 5 सीटें हैं लोकसभा की उत्तराखंड में और पांचों की पांचों सीटों पर 19 तारीख को पहले फेज में वोटिंग होने वाली है। और गढ़वाल संसदीय सीट से इस बार मैदान में है अनिल बलूनी जी, जो कि अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 9 बजे से सर मैं देख रही हूँ आपको कि आप लगातार जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कोटद्वार तो बाबा सिद्ध बली का धाम है और यहाँ तो कहते हैं कि बाबा सिद्ध बली का जिसको आशीर्वाद मिलता है जीत उसी की होती है। मिल रहा है आशीर्वाद? देखिए, निश्चित तौर पर आशीर्वाद मिल रहा है। बाबा सिद्ध बली भी, भगवान बद्री केदार भी, जो लोग यहाँ की सेवा करते हैं, जो लोग यहाँ विकास का मंत्र को बांध के बैठे हैं, जिन्हों का संकल्प है कि इस उत्तराखंड में पलायन को रोकना है, जिनका संकल्प है कि यहाँ रोजगार देना है, जिनका संकल्प है कि गढ़वाल को नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना है, उनके साथ भगवान का आशीर्वाद रहना बहुत स्वाभाविक है। सर, ये तो चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और ये आखिरी काउंटडाउन चल रहा है चुनाव प्रचार का। अब तो आप लोगों से लगातार उनका मन भी टटोल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, अधिकतर लोगों से आप मिल चुके हैं जितनी आबादी है यहाँ की, और अब ज्यादातर जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वो आपने कवर कर लिए हैं। क्या आपको लग रहा है यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा या फिर स्थानीय मुद्दे? आप जब पूरे पिछले कई समय से देखिए, उत्तराखंड के लोग केंद्र में एक मजबूत सरकार के लिए वोट करते हैं, अगर राज्य का विषय है तो राज्य के लिए विषय वोट करते हैं, केंद्र का विषय तो केंद्र के लिए वोट करते हैं। सबको पता है कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट हो रहा है, सबको पता है कि मोदी जी को चुनाव करना है और मोदी जी देश को चलाने वाले, विकसित भारत बनाने वाले, तो यहाँ के लोगों के बहुत स्पष्ट है। और भारत मतलब गढ़वाल के लोग देश के विषय पर वोट करते हैं और खासतौर से देश की सुरक्षा पर विषय करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक तरफा वोट हो रहा है। जहाँ जहाँ भी हम गए हैं आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करते हुए, वहाँ पर लोगों से हमने बात की तो उन्होंने आप पर बहुत उम्मीदें जाहिर की। हर हिस्से में लोगों ने यह कहा कि हमको बेतहाशा उम्मीद है अनिल बलूनी साहब से, ऐसा क्यों? देखिए, सबको उम्मीद इसलिए कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड हो, चाहे राज्यसभा के दौरान मेरा हो। जब मैं जैसी राज्यसभा का सदस्य बना, सबसे पहले मैंने यहाँ ICUs में पैसा लगाना, अपना सांसद निधि लगानी शुरू की। कोटद्वार में पहला ICU बनाया, कोटद्वार में 2 ट्रेनें चलवाईं और यहाँ बराबर में लैंसडाउन में डॉपलर रडार के लिए काम शुरू किया। तो सबको पता है कि मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, यहाँ की समस्या से जुड़ा हूँ, तो निश्चित तौर पे लोगों को लगता है कि ये काम करेंगे और मेरा सौभाग्य है कि लोग ऐसा मेरे लिए सोच रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसको ही पूरा करूँगा। लोग ये कह रहे हैं कि अगर करेगा मोदी के बाद अगर कोई करेगा तो वो अनिल बलूनी ही करेगा, ऐसा लोगों का कहना था, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। और एक और मेरा सवाल ये है, आपको पर्सनली सबसे बड़ा मुद्दा पहाड़ का क्या लगता है, बेरोजगारी पलायन क्या सबसे बड़ा इशू है? बेरोजगारी पलायन दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का पलायन हो रहा है, सारी सीटें मैं पहाड़ से खिसक रही हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट है। पहाड़ में, उत्तराखंड में, देवभूमि में डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है, जो उत्तराखंड के शक्ल को बदलने की जो षड्यंत्र हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर अगर इस तरह की चीज़ होती है तो वो मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है और उन पर काम करना मेरे लिए सबसे जरूरी है। कल सर आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है और उस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्षी ये कह रहे हैं कि ये घोषणा पत्र या संकल्प पत्र नहीं बल्कि ये जुमला पत्र है। आपको पर्सनली, आपको खुद व्यक्तिगत तौर पर उस घोषणा पत्र की आत्मा या फिर सबसे बड़ी बात क्या लगी? देखिए, क्या है कि विपक्ष की स्थिति ऐसी है कि अब कोई उन पर विश्वास नहीं करता, उनको खुद पे अपने पर विश्वास नहीं है। आप देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, 272 सीटों की बात नहीं कर रहा है, कह रहा 400 पार नहीं होने देंगे, तो उनको अपने ऊपर खुद विश्वास नहीं है। कांग्रेस के किसी आदमी से पूछ लीजिए, 35 सीटें जीत रही है, बता नहीं सकता आपको, तो उनको अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं है। दूसरी बात, हमारा घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र हमारे लिए कमिटमेंट है। मोदी जी ने कहा है कि अगले 5 साल हम लोगों को फ्री राशन गरीबों के लिए जो है वो करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों में इससे खुशी की लहर। लेकिन
महंगाई और बेरोजगारी, जिसका जिक्र कल विपक्ष ने भी किया, लगातार आपके मैनिफेस्टो आने के बाद रिएक्शंस भी आ रहे हैं। ये कहा गया कि सबसे बड़ा मुद्दा तो है ना देश में रोजगार का और महंगाई का, वो कहाँ है, वो तो गौण हो गए। आप सबको पता हमारी ही सरकार बननी है और हमने ही उन पे काम करना है। हमारे से लोगों की अपेक्षा, हम सब अपेक्षा पूरी करने वाले हैं। हम लगातार रोजगार के लिए काम कर रहे हैं और मोदी जी ने तो यहाँ आके उत्तराखंड में कहा है कि पलायन रोकना और रोजगार देना ये हमारा संकल्प है। और धर्म जाति के नाम पर जो आपको घेरा जाता है, उत्तराखंड में क्या गुंजाइश है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट हासिल किया जा सके, वोट लिया जा सके? ठीक है, अब कांग्रेस ऐसी राजनीति करती है, मैं भी आपके ऐसे सहमत हूँ। हमारे यहाँ लगातार हिंदू धर्म को गाली देना, भगवान राम को गाली देना, हमारे देवी देवताओं को गाली देना, ये कांग्रेस करती है सिर्फ वोटों के अपीजमेंट के लिए। जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने कहा था हम जुम्मे की छुट्टी करेंगे, पिछली बार उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खेलेंगे, तो कौन करता है ये काम, हम करते हैं या कौन करता है, ये जरूर पूछेगा। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।